पेपर वन और पेपर टू का फ्री में कोर्स करने के लिए जुड़ी हमारे चैनल के साथ। अगर आपका पेपर टू पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो डेली वीडियो आ रहा है इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपकी तैयारी फ्री में हो जाएगी। आपको कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको हमारा स्टडी भरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्री कोर्स का। आपको अगर डेली वीडियो और पीडीएफ लेक्चर भी चाहिए तो आप हमारा पेपर वन पेपर टू का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेली वीडियो और पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखना जिसे नहीं पड़ेगा। और अगर आपको पेपर वन का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ चाहिए या आपको घर बैठे बैठे स्टडी मटेरियल मंगवाना है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेटर वैदिक पीरियड। तो इससे पहले लेक्चर में हमने वैदिक पीरियड की इंट्रोडक्शन की थी, साथ में अर्ली वैदिक पीरियड कर लिया था, तो आज हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्टार्ट होता है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। अब देखिए फैक्ट क्या है, अब देखिए अभी तक लोहे का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब देखिए आयरन एज बिगिनिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में लोहे की जो शुरुआत है वो सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी। यानी कि लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। आप देखिए कि जैसे इंटरनेट की आने से, इंटरनेट की खोज से, अब देखिए हमारी जो लाइफ है कितनी आसान हो चुकी है, कितनी उसने एकदम से रेवोल्यूशनरी काम किया है, क्रांतिकारी काम किया है इंटरनेट ने आज के समय में, वर्तमान समय में, है ना, प्रेजेंट टाइम पे। तो ऐसा ही जब लोहे की खोज हुई थी, आयरन की जब खोज हुई थी, तो ऐसा ही जे लोहे ने उस समय क्रांतिकारी जो है वो रेवोल्यूशनरी जो है वो माहौल बना के रखा था। अब देखिए हुआ क्या था, जैसे आजकल इंटरनेट जो है एकदम से फैल गया, तब जब लोहे की खोज हुई थी ये सबसे ज़्यादा मशहूर हो गया, ठीक है। लोहे की खोज से जो काम थे वो सारे ही आसान बन गए। आप देखिए कि लेटर वैदिक पीरियड में अगर लोहे की खोज हो रही है तो आज भी लोहे का ही इस्तेमाल होता है हर जगह पर, फैक्ट्रियों में, कई जगह पर मशीनें वगैरह से ही। तो देखिए कि लोहा जो है यानी कि आयरन जो है वो कितना हमारे लिए जो है ज़रूरी हो चुका है। अब देखिए वहाँ से खोज हुई थी, अब करते करते अब देखिए अभी तक ये बहुत ज़्यादा सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लोहे की जब शुरुआत हुई थी, जब लोहे की खोज हुई थी, तो इसने एकदम से रेवोल्यूशनरी काम किया था, सारे ही जो टूल्स वगैरह इससे बनाने शुरू हो गए थे, ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट की बात करें, आपको ये याद रखना है कि जो आयरन है, जो लोहा है, वो लेटर वैदिक पीरियड में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, इससे पहले नहीं हुई थी। अब देखिए ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट की बात करें, इनकी भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें, द रिवील दैट आयरन एक्सपैंड फ्रॉम पंजाब ओवर होल ऑफ वेस्टर्न यूपी कवर्ड बाय गंगा यमुना द्वाब। अब देखिए जो ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट है, जो सब्रेंड है, इनकी जो आयरन थे वो कहाँ से कहाँ तक थे। अब देखिए जो आर्य थे वो पंजाब से लेके पश्चिमी यूपी यानी कि वेस्टर्न यूपी का जो गंगा यमुना वाला जो द्वाब वाला हिस्सा है वहाँ पे जो और जो एरिया है वहाँ पे ये आयरन फैले हुए थे, इनकी पंजाब से पश्चिमी यूपी वाले एरिया में। अब देखिए इन द बिगिनिंग दे क्लियर द लैंड बाय बर्निंग, लेटर विद द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स विच बिकम कॉमन बाय 1000 BC टू 800 BC। अब देखिए वो जब लैंड को यानी कि ज़मीन को जब वो साफ करते थे पहले, वो उसको बर्निंग यानी कि आग लगा के उसे साफ करते थे, ठीक है। यानी कि अगर ज़मीन तो साफ करना था पहले वो आग लगाते थे, उसको साफ कर देते थे। बाद में जब लोहे की खोज हो चुकी थी तो वो लोहे से यानी कि लोहे से जो वो हथियार बनाए थे उन्होंने, उससे इन्होंने फिर साफ करना उसे शुरू हो गया। अब देखिए 1000 BC से 800 BC के बीच में क्या है, जो आयरन है, जो लोहा है, वो आम हो चुका था, कॉमन हो चुका था। इन द लेटर वैदिक पीरियड मैनी ग्रेट सिटी लाइक विदिहा, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ एट्सेट्रा हैड स्प्रंग अप। यानी कि जो देखिए लेटर वैदिक काल में देखें तो जो ये जो सिटी की बात आई है, ये कई जो नए नए जो शहर हैं ये उभर के सामने आए, ठीक है। आप देखिए कि इससे पहले जो है जो लोग हैं वो कबीलों में रहा करते थे, ठीक है। अब देखिए ये जो शहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए शहर निकल के आ रहे हैं, ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। यही शहर जो है आगे जाके, यही शहर जो है ये किंगडम बनेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो ना कि जैसे हमने शुरुआत की थी प्रोटो हिस्ट्री से, कि कैसे दुनिया में इंसान आया, करते करते वो कबीलों में पहुंचा, है ना, फिर उसके बाद फिर वो उसने ये शहर बने, फिर उसके बाद वो कैसे वो चला, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो धीरे धीरे करते करते ये किंगडम ये बन रही है। पहले देखिए कि क्या था, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था
कि जो राजा था वो कबीले का सरदार जो होता था, किंग होता था, उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी क्योंकि वो लोगों द्वारा चुना जाता था। अब इसमें देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, टीनी ट्राइबल सेटलमेंट वर रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्ग किंगडम। अब देखिए, जो छोटे छोटे जो आदिवासी जो बस्तियाँ थी, ठीक है, उनको मजबूत राज्य यानी कि जो स्ट्रॉन्ग किंगडम से उसके द्वारा जो है वो बदल दिया गया। यानी कि पहले क्या थे, छोटे छोटे आदिवासी बस्तियाँ थी, बाद में क्या है कि स्ट्रॉन्ग किंगडम्स बनने लग गए। द अर्लीस्ट लीजेंड ऑन द ओरिजिन ऑफ किंगशिप अकर्स इन द एटेरिया ब्राह्मण, वन ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट परहैप्स ऑफ द 8th or 7th century BC। अब देखिए, जो स्टेट की ओरिजिन के बारे में यानी कि राज्यों की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले कहाँ कहा गया, सबसे पहले कहा गया है एतरेया जो ब्राह्मण है वहाँ पे। एतरेया ब्राह्मण क्या है, ये लेटर वैदिक एक टेक्स्ट है, ठीक है, यानी कि एक वैदिक ये टेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथ है, ठीक है, वैदिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ है एतरेया, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है इसके किंगडम के बारे में, यानी कि आपको अगर जो किंगशिप के बारे में जानना है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में जानना है, तो उसके बारे में एटेरिया में लिखा, एटेरिया ब्रह्मणा में लिखा गया है जो एक वैदिक ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद ऋग वैदिक काल के दौरान देखिए जो छोटे छोटे राज बने थे, ठीक है, ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड द आर्यंस हैड बिल्ड ओनली स्मॉल किंगडम्स एज दे वर ऑलवेज बिजी फाइटिंग द नॉन आर्यन। अब देखिए, जो ऋग वैदिक काल के दौरान क्या था, आर्यन ने केवल जो आर्य थे उन्होंने केवल छोटे छोटे राज्य बनाए थे, क्योंकि वो हमेशा ही जो गैर आर्य थे यानी कि जो आर्य नहीं थे उनसे लड़ने में व्यस्त रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बट नाउ दे हैड क्रश द रेसिस्टेंस ऑफ नॉन आर्यंस एंड हैड एस्टेब्लिश सच पावरफुल किंगडम एज कुरु, पंचाला, कोसाला, मगध, काशी एंड अंगा। अब देखिए, इसके बाद क्या आता है कि लेकिन अब देखिए, गैर जो आर्य थे उनके प्रतिरोध को कुचल दिया था, यानी कि अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि उन्होंने सभी को क्रश कर दिया था, यानी कि जो आर्य के अलावा जो नॉन आर्यन थे उन्होंने सभी को कुचल दिया था, सभी को हटा दिया था, और कुरु, पांचाल, कोसल, मगध, काशी, ठीक है, काशी और अंगा, ये जो है ये शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई थी। यानी कि जो आर्य थे वो बिना, जो गैर आर्य थे यानी कि जो उनके जैसे नहीं थे उनसे लड़ते रहते थे, जब उन्होंने लड़ते रहते थे तो ये जो कुरु, पंचाला, कोसाला ये वगैरह है, ये जो शक्तिशाली राज्य हैं ये निकल के आए। होता क्या था कि जैसे देखिए छोटे छोटे कबीले हैं वो आपस में लड़ते थे, तो कबीले लड़ते गए, वो एक कबीला दूसरे से लड़ा, उसने अपने कबीले में उसे शामिल कर लिया, तो करते करते उन्होंने 8-10 कबीले जो अपने एक में शामिल कर लिए, तो उसे एक राज्य का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या है, किंगडम्स बनती गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे जाके क्या है, 16 किंगडम है जो मेन आई थी उसमें से, ये देखिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आप देखिए कि जो 16 किंगडम है जो उभर के सामने आई थी उसमें से जो 6 किंगडम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 16 महाजनपद हैं जो 16 किंगडम है उसके बारे में जो बताया गया है, उनमें से ये 6 मेन है, ठीक है। अब देखिए पावर्स ऑफ द किंग हु वाज कॉल्ड द सम्राट इंक्रीज। अब देखिए पहले क्या था, सम्राट की जो शक्तियाँ थी, किंग की जो शक्तियाँ थी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब देखिए सम्राट की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंस ऑफ असेंबली डिक्लाइन। पहले क्या होता था कि असेंबली जो होती थी उनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती थी, राजा की इतनी नहीं होती थी, पर अब राजा की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और असेंबली की जो है इंपॉर्टेंस कम हो गई। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबली एंड द टर्म राष्ट्रा इंडिकेटिंग टेरिटरी फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड। अब देखिए जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, अब उनको विधानसभाओं यानी कि सभाओं में जाने की अनुमति नहीं थी। पहले क्या होता था, जो महिलाएं हैं वो भी सभाओं में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, अब उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी। और इस दौरान क्या हुआ कि जो राष्ट्र यानी कि जो राष्ट्र का संकेत देने वाले जो टेरिटरी हैं, जो क्षेत्र हैं, वो पहली बार दिखाई दिए। यानी कि पहले क्या था, पहले यहाँ पे था कबीले, फिर बाद में करते करते राज बने, फिर वहाँ से राष्ट्र बन गए, यानी कि कबीलों से राष्ट्र तक का यहाँ पे सफ़र आ गया। इसमें क्या था, महिलाओं की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर होने लग गई, उन्हें असेंबली में नहीं जाने दिया गया। उसके बाद जो राष्ट्र हैं उसके लिए हुआ, पहले देखिए जो ये थे ना कबीले वगैरह, अब क्या है यहाँ पे राष्ट्र की बात आई है, ठीक है। राष्ट्र किससे मिलके बना, छोटे छोटे कबीले जीत कर अपने में मिलाने से। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वास्ट एम्पायर लेड टू द ग्रोथ ऑफ द रॉयल पावर।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो विशाल राज्यों की स्थापना से शाही शक्ति का विकास हुआ। अब देखिए हुआ क्या था कि जो एम्पायर था, एम्पायर जो था वो बड़ा हो गया। बड़ा कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ा, जब एक कबीला जीत गया उसने दूसरे कबीले को अपने कब्जे में कर लिया, तो धीरे धीरे करते उतने कितने कबीलों के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसे एक राष्ट्र का नाम दे दिया, तो उसने उसे अपना ये राज जो है वो काफ़ी फैला लिया। द सभा एंड द समिति वर नॉट पावरफुल इनफ टू चेक द पावर ऑफ द किंग। अब देखिए जो सभा और समिति थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो राजा की जो शक्तियाँ हैं उसके ऊपर रोक लगा सके या राजा की जो शक्तियाँ हैं उसकी जांच कर सके। अब देखिए सभा समिति का इतना नहीं था, पहले क्या था लोग अपने राजा को चुनते थे, तो ये किसका काम था, ये समिति का काम होता, सभा का काम होता। अब क्या है कि सभा समिति के पास इतनी शक्तियाँ रही नहीं है कि वो राजा की शक्तियों की जांच कर सके, यानी कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे किसकी है, राजा की। उसके बाद देखिए द ऑफिस ऑफ द मोनार्क हैड नाउ बिकम मोर और लेस हेरेडिटरी। अब देखिए जो राजा का जो यहाँ पे, अब देखिए जो राजा है यानी कि जो सम्राट है उसका जो देखिए जो ऑफिस है यानी कि उसका जो कार्यालय है वो वंशानुगत हो गया। वंशानुगत माने कि उसका वह हेरेडिटरी हो गया। पहले क्या था, कबीले के लोग अपने में से एक राजा चुनते थे, अगर वो अच्छा काम ना कर पाए तो उसे हटा के किसी और को बना देते थे। तो ऐसा नहीं था कि एक राजा होगा तो उसका बेटा ही आगे राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। पर अब जब राष्ट्र की बात आई है तब अब जब एक राजा जैसे बना है उसके मरने के बाद दूसरा उसका बेटा ही उसका राजा बनेगा, यानी कि राजा की इंपॉर्टेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होने लग गई है। ए रेगुलर आर्मी वाज मेंटेन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम। देखिए पहले क्या था, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। आप ये देखिए कि जो अर्ली वैदिक में जो हमने पढ़ा था ये उससे उलट है, ठीक है, जो हमने अर्ली वैदिक में पढ़ा था ये उससे बिल्कुल उलट है ये, ठीक है, इसके ऑपोजिट है। अब देखिए जो पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, यहाँ पे क्या था, रेगुलर आर्मी आर्मी मेंटेन करके रखी गई है, ठीक है, जो सिर्फ आर्मी का ही काम करेंगे। पहले क्या था, रेगुलर आर्मी नहीं थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते थे, जब कोई जंग करनी होती थी तो लोग आर्मी के रूप में आ जाते थे। पर अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, एक राज्य की प्रोटेक्शन के लिए क्या है, किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि एक स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे बनाई गई है। इन द ऋग वैदिक पीरियड वी हेयर ऑफ थ्री मेन असिस्टेंट ऑफ द किंग। हमने देखिए ऋग वैदिक काल में तीन मेन असिस्टेंट के बारे में देखा है, जो राजा को असिस्ट करते हैं वो कौन से हैं, पुरोहित, सेनानी और ग्रामिणी, ठीक है। ये तीन जो हैं ये कौन है, ये जो राजा की मदद करते हैं उसका राजपाट संभालने के लिए, उसको राजपाट में हेल्प करते हैं। अब देखिए बट नाउ इन एडिशन टू दीज ऑफिशियल मैनी न्यू असिस्टेंट ऑफ द किंग वर प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तीन तो थे ही है, पर यहाँ पे कुछ और ऐड किया गया है राजा को उसकी हेल्प करने के लिए, कुछ और असिस्टेंट जो दिए गए हैं। रेफरेंस ऑफ द प्रीस्ट यानी कि पुरोहित, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पुरोहित है। उसके बाद कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति, देखिए प्रीस्ट है पुरोहित, कमांडर चीफ मैंने सेनापति, ठीक है। टेरिटरी मतलब कि सूता, ट्रेजर संग्रहीता, टैक्स कलेक्टर भागदुआ, अब चीफ क्वीन इनकी महिषी, एंड द ग्रेट कंपेनियन इनकी अक्सा पावा। अब देखिए ये क्या है, पहले क्या था, तीन मेन थे, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी। अब क्या है देखिए, इतने जो लोग जुड़ चुके हैं, टैक्स कलेक्ट करने वाला जुड़ चुका है, चीफ क्वीन जुड़ चुकी है, ठीक है, अब खजांची भी जुड़ चुका है, तो ये कौन है, ये सारे जो है ये व्यक्ति हैं, जो पर्सन है ये राजा के लिए हेल्प के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बताइए कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाला जो पर्सन होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे भागदुआ कहा जाता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी वॉज द किंग एंड नॉट द प्रीस्ट। अब देखिए जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो ग्रेविटी का जो मुख्य यानी कि जो मेन जो सेंटर था वो कौन था, वो राजा था, ना कि प्रीस्ट, पुजारी, ठीक है। अब देखिए पुजारी यानी कि पुरोहित यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे मेन जो था वो राजा था। चाहे प्रीस्ट का काम था राजा को जो है वो हेल्प करना, पर मेन जो था वो राजा ही था। इफ़ देर वॉज एनी डिफरेंस बिटवीन द रूलर एंड द प्रीस्ट, इट वॉज द प्रीस्ट हु यील्डेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो यदि शासक यानी कि अगर हम राजा की बात करें या प्रीस्ट की बात करें, अब यहाँ पे देखिए उनके बीच में अगर कोई अंतर था तो वो क्या था, वो प्रीस्ट था जो राजा से निकला। अब देखिए प्रीस्ट क्यों बनाया गया, राजा की हेल्प के लिए, किंग की हेल्प के लिए। अगर किंग ही ना हो तो राजा का वो प्रीस्ट कहाँ से आएगा, ठीक है, यानी कि किसको ज़्यादा वैल्यू है, किसकी, राजा की, ठीक है। इट
किंग ऑफ वेरियस ग्रेट्स आर मैंशन इन द वैदिक हाइम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो वैदिक जो भजन है वो विभिन्न वर्ग के राजाओं के लिए उल्लेख किया गया है, यानी कि जो वैदिक जो भजन है, जो वैदिक हाइम्स है, वो अलग अलग राजा के लिए अलग अलग थे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल की बात करें, द राज का वाज द इन्फीरियर टू राजा हु इन टर्न वाज इन्फीरियर टू ए सम्राट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे राजा है वो एक राजा से बदल के एक सम्राट बन गया, ठीक है, या जो राजा था वो बदल के क्या है, वो सम्राट से भिखारी बन गया। भिखारी, चलो यहाँ पे शब्द इतना अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे सिंपल सी यहाँ की बात देखें कि पहले राजा था, यानी कि आप देखें कि पहले जो गरीब था वो राजा बना, जो राजा था वो गरीब बन गया। ये टर्न हो गया ना इसमें कि एक गरीब जो है वो सम्राट बनना है, एक सम्राट है वो गरीब बन रहा है। तो ये क्या था, ये सारे ही वैदिक भजन के अंदर जो है हाइम्स के अंदर ये सब आते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स, रिलीजियस एंड सोशल मैटर वर डिस्कस बाय द स्पीकर इन द लोकल असेंबली। दी स्पीकर सॉट द हेल्प ऑफ स्पेल्स एंड मैजिक हर्ब्स टू स्टिमुलेट देयर इलोक्वेंस इन डिबेट एंड ओवरकम देयर राइवल डिबेटर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या बात निकल के आई कि जो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये असेंबलीज होती थी, ये जो लोकल असेंबली होती थी, वहाँ पे मैटर डिस्कस किए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो रिलीजियस हैं, जो सोशल मैटर हैं, इनको यहाँ पे लोकल असेंबली में डिस्कस किया जाता था सबके सामने। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पीकर थे, यानी कि जो ये डिस्कस करते थे, वो क्या करते थे कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, और जो उनके जो कॉम्पिटिटर थे, ठीक है, उनको पार करने के लिए क्या थे, वो तंत्र मंत्र और जादू की जो जड़ी बूटी, जो जड़ी बूटियाँ होती थी, उनकी हेल्प लेते थे। यानी कि जो अपने उनके राइवल थे, जो उनके जो ऑपोजिट, जो उनके ऑपोजिशन में थे, उनको हराने के लिए, तो वो जो है वो काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे करते थे। ठीक है, अब देखिए सोशल लाइफ की बात करें यहाँ पे, द फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी बिकम क्लियर इनिशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन विच लेटर बिकम हेरिडेटरी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है, और शूद्र। अब देखिए सोशल लाइफ की बात करें यहाँ पे, सामाजिक जीवन में देखिए कि चार वर्गों का विभाजन हो चुका था इनके, जो यहाँ पे क्या था कि जो समाज है, जो सोशल लाइफ है, वो चार भागों में बढ़ चुकी थी। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मतलब क्या है कि प्रीस्ट, क्षत्रिय यानी कि वॉरियर्स, वैश्य मैंने कि जो व्यापारी थे, जो शूद्र यानी कि ऊपर के तीनों वर्गों की जो सेवा करते थे। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, ठीक है, देखिए ब्रह्मा जी ने क्या किया था, विश्वकर्मा को बनाया, विश्वकर्मा ने क्या किया, पूरी दुनिया को बनाया। ठीक है, इंसान की किस्मत लिखने वाले ब्रह्मा होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो सृष्टि है, जो इनकी ये दुनिया है, ये किसने बनाई है, ये बनाई है ब्रह्मा ने। अब देखिए ब्रह्मा के मुँह से कहते हैं कि ब्रह्मा का जो मुख है, जो ब्रह्मा का मुँह है, उससे निकले हैं ब्राह्मण। उनकी जो भुजाएँ हैं, यानी कि उनके जो जो उनकी आर्म्स हैं, उनसे निकले हैं क्षत्रिय। अब उनकी जो देखे जो जांघें हैं, वहाँ से निकले हैं वैश्य, और शूद्र यानी कि जो उनके पैरों से निकले हैं। तो ये तीनों वर्गों की सेवा करते हैं शूद्र, और बाकियों का अपना अपना काम बांटा हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब जो पुजारी, पंडित, वॉरियर्स यानी कि जो युद्ध करते हैं वो क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वैश्य, तीनों की सेवा करने वाले शूद्र। तो ऐसे समाज ये चार भागों में यहाँ पे बट गया था। वुमेन एंजॉय फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट बट देयर स्टेटस डिट्रॉयड कम्पेयर टू अर्लियर टाइम। अब देखिए वुमेन जो थी, जो महिलाएं थी, उनको फ्रीडम थी, उनको स्वतंत्रता थी, उन्हें सम्मान भी मिलता था, पर जैसे पहले उनकी स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी, तो पहले की तुलना में अब जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन दिस एज फर्स्ट टाइम। देखिए जो गोत्र है, ठीक है, जो गोत्र है वो इस टाइम पर पहली बार जो है वो सामने आया। गोत्र सिग्निफाई डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। अब देखिए जो गोत्र है, गोत्र ने जो सामान्य जो पूर्वज, जो पूर्वज वंश का संकेत दिया। गोत्र क्या है, देखिए जब कहते ना कि हर एक इंसान के गोत्र होता है, गोत्र से क्या है, उसके पूर्वज जो है उससे पता चलता है। अब देखिए वो गोत्र सामने आए कि इस इंसान का ये गोत्र है, इस इंसान का वो गोत्र है, तो उसके हिसाब से उसके पूर्वज जो है उनके वंश का पता लगाया जाता था। ठीक है, इन दिस एज ऑल्सो चैरिट रेसिंग वॉज द मेन स्पोर्ट एंड गैम्बलिंग द मेन पास्ट टाइम। अब देखिए इस टाइम पे क्या था, जो चैरिट की जो रथ दौड़ थी, जो चैरिट रेस थी, वो मेन खेल था, मेन स्पोर्ट था। जो जुआ था, जो गैम्बलिंग थी, वो लोगों का एक टाइम पास गेम था।
उसके बाद द एक्सकवेशन ऑफ एट द हस्तिनापुर इन मेरठ डेटिंग बैक टू अबाउट 900 BC टू 500 BC हैव रिवील्ड सेटलमेंट इन फेंट बिगिनिंग ऑफ टाउन लाइफ। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो मेरठ का के पास जो हस्तिनापुर है वहाँ पे जो खुदाई है हुई है उससे पता चलता है कि लगभग 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के जो बीच में है जो शहर की जो जीवन की जो बस्तियाँ उनका पता चलता है। इनके जो मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है ये कौन सा इलाका था जो उस टाइम पे जो शहरी जीवन जो उसमें प्रचलित था, ठीक है। उसके बाद देखिए इट इज़ इट मे बी कॉल्ड ए प्रोटो अर्बन साइट। देखिए इसे प्रोटो अर्बन साइट भी कहा जाता है। लेटर वैदिक पीरियड स्पेशली फ्रॉम अराउंड 800 BC टू 500 BC इज ऑल्सो एट द सूत्रा पीरियड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बाद में जो बाद का जो लेटर वैदिक काल है उसमें देखिए कि अगर हम बात करें 800 ईसा पूर्व से यानी कि 800 BC से अगर हम 500 BC की बात करें तो इसे सूत्रकाल कहा गया, ठीक है। यानी कि कौन सा काल कहा गया है, इसे सूत्रकाल कहा गया। सूत्र मीन फार्मूला, यानी कि सूत्र का मीनिंग क्या है, फॉर्मूला। ग्रीक सूत्रा कंटेन सोशल रिचुअल्स इंक्लूडिंग 16 संस्कार थ्रू विच इंडिविजुअल हैज़ टू पास फ्रॉम कंसेप्शन टू क्रीमेशन। अब देखें यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रह सूत्र है उसमें 16 तरह के जो संस्कार बताए गए, ठीक है। अब देखें ग्रह सूत्र क्या है, जब सूत्र देखिए निकल के आए सूत्र का निकल के आया सूत्र क्या है, क्या है कि फॉर्मूला यानी कि कोई काम करने का तरीका। अब देखिए जो इंसान का जो जीवन था वहाँ पे क्या है कि जो 16 तरह के यानी कि 16 तरह के जो संस्कार सामने आए जिसमें से शादी संस्कार शादी है दाह संस्कार है ये सारी तरह के जो ये हैं ये तब निकल के आए यानी कि 16 तरह के संस्कार जो है आज भी माने जाते हैं जिसमें शादी भी है वो भी एक संस्कार है यानी कि दो अगर व्यक्तियों को साथ में रहना है आदमी औरत को तो उसे शादी करनी पड़ती है ये संस्कार है। कोई व्यक्ति मर जाए तो तब भी क्या वहाँ पे होगा तो वो संस्कार है यानी कि हर काम करने का तरीका हर काम करने का मेथड वो क्या है सूत्र जो 16 तरह का है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हर सूत्र का क्या है अलग अलग रिवाज हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें देखिए ग्रह सूत्र कंटेन सोशल रिचुअल्स इंक्लूडिंग 16 संस्कार थ्रू विच इंडिविजुअल हैज़ टू पास कंसेप्शन टू क्रीमेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात हुई है इसकी कि 16 तरह के संस्कार है। वुमेन वाज नाउ ग्रेजुअली लूजिंग हर पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस इन द रिलीजियस एंड सोशल स्पेयर। अब देखिए जो औरत की जो स्थिति थी वो पहले से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी इस टाइम पे, ठीक है। द किंग वाज द नोबेल्टी हैड नाउ began to marry more than one wife and the birth of a daughter was now regarded a source of misery. अब देखिए राजा यहाँ पे क्या थे, पहले क्या थे कि वो एक शादी करते थे, अब राजा कई महिलाओं से शादी करने लग गए। महिलाओं से शादी करने के बाद क्या हुआ, जब उनके जो बेटों का या उनके जो बच्चों का जन्म होता था तो अब वो दुख का स्रोत बनने लगे। क्योंकि देखिए कि अगर एक राजा अगर काफ़ी औरतों से शादी करता है जो उनके जो आगे जाके संतान होती है तो आगे जाके राजगद्दी का मामला आता है कि अगला राजा कौन बनेगा, तो जिससे क्या है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ षड्यंत्र जो है वो प्लानिंग होती रहती है, ठीक है। हायर एजुकेशन वाज हाउएवर इम्पार्टेड टू वुमेन। अब देखिए महिलाओं को यहाँ पे क्या है उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। हायर एजुकेशन यहाँ पे दी जाती थी। देयर मैरिज ऑफ ए विडो वॉज प्रिवलेंट एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती चाइल्ड मैरिज पुरदा एंड चाइल्ड इन्फेंसेंट वॉज नॉट हेड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे विधवा की फिर से शादी प्रचलित थी वो कर सकती थी, विधवा विवाह यहाँ पे था, सती बाल विवाह पर्दा और बच्चे को पैदा होने से ही मार देना ये अभी तक यहाँ पे देखा नहीं गया था। विधवा विवाह यहाँ पे प्रचलित था पर बाल विवाह वगैरह ये सबको यहाँ पे प्रचलित नहीं था, ना ही पर्दा सिस्टम अभी तक आया था। अब देखिए नाउ इन द प्लेस ऑफ फोर वर्न मैनी न्यू कास्ट वर बॉर्न। अब देखिए जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार भागों में इंसान का जीवन जो जाति बटी है तो इससे क्या है कि नई कास्ट निकल के आई है। अब देखते हैं ना आजकल के जमाने प्रेजेंट टाइम में देखिए बहुत सारी कास्ट निकल के आई है। इसका कारण क्या है कि जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निकल के आए तो करते 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 इनमें से ही काफ़ी कास्ट का जन्म हुआ जो आज इस टाइम पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन वाज नाउ हाउ डिवाइड इनटू फोर स्टेजेस पब्लिक नोन एज द फोर आश्रम।
अब देखिए इंसान का जो जीवन है वह चार आश्रम में बढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने बात की थी ऊपर समाज को चार भागों में बांटना। अब देखिए सोशल लाइफ को चार भागों में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बटा यहाँ पे समाज यानी कि सोशल लाइफ, ठीक है, जातियों बट गई। अब देखिए जो इंसान का जीवन है वो भी चार भागों में बांट दिया। कैसे? हर एक जीवन को, हर एक काल को उन्होंने 25 वर्षों में बांटा। जैसे मान के चलिए देखिए चार आश्रम कौन से हैं, चार आश्रम हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जातियाँ चार भागों में बंटी है तो इंसान का जीवन भी चार भागों में बांट दिया, ठीक है। पहले एक से लेके जो 25 साल जो इनकी एक से लेके जो 25 ईयर जो होते हैं इंसान के पहली ज़िंदगी के, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में आते थे, तो जिसे जिसमें वो पढ़ता लिखता था, ठीक है, शिक्षा दीक्षा लेता था, पढ़ता था, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करता था एक से लेके 25 साल तक, ठीक है, इनकी पैदा होने से लेके 25 साल तक वो पढ़ेगा लिखेगा। अब उसका एक ज़िंदगी का फेस ख़त्म हो गया। दूसरा जो आश्रम है यहाँ से स्टार्ट होता है इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम, यानी कि इसकी जो एज है वो है 26 से 50 साल, यानी कि 26 ईयर्स टू 50 ईयर्स। अब देखिए इसमें क्या करेगा वो, अब उसने पढ़ाई ख़त्म कर ली है, अब यहाँ पे क्या करेगा वो, शादी करेगा, अपना परिवार बनाएगा, यानी कि गृहस्थ जीवन यहाँ पे वो बिताएगा। अब जब 50 साल उसके पूरे हो जाएंगे तो उसके दो आश्रम पूरे हो गए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ। अब उसका तीसरा आश्रम यानी कि लाइफ का उसका थर्ड फेज यहाँ से स्टार्ट होगा, जो 51 ईयर से 75 ईयर्स तक वो चलेगा, तो यानी कि 51 से 75 वर्ष तक उसका चलेगा, जिसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या है, वो पारिवारिक मोह माया से थोड़ा अलग होता जाएगा, ठीक है। अब जब उसका ये फेस ही निकल गया, वो 76 से 100 वर्ष के बीच में आएगा, साल के बीच में आएगा, तो उसका वो होगा संन्यास आश्रम। तब वो सारा घर बार त्याग के जंगल में चला जाता है, तो ये उसका ज़िंदगी का आखिरी फेज होता है। अब देखिए संन्यास आश्रम का कारण क्या है, इन्होंने यहाँ पे ये माना है कि जो इंसान का जो जीवन है उसका जो एंड वाला पार्ट है, जो एंडिंग पार्ट है, उसका मेन टारगेट क्या है, उसका मेन लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। अब देखिए जो इंसान का जीवन था पहले वो 100 वर्ष का होता था, 100 साल का होता था, इसलिए उन्होंने उसकी ज़िंदगी को चार भागों में बांटा 25-25 साल में, ठीक है। जब 100 साल पूरे हो जाते थे 100 साल के बाद उसे मुक्ति मिल जाती थी। अब आज का ज़माना देखिए कि 60-70 वर्ष की जो उम्र है यहाँ तक इंसान का होता है, यानी कि यहाँ पे इंसान का जो लाइफ है पहले चार भागों में बंटी थी, आजकल क्या है वो 2 से 3 भाग में ही उसकी ज़िंदगी का एंड हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इसमें हमने देखा है जो सामाजिक जीवन है, जो सोशल लाइफ है, वो भी चार भागों में बटी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब इंसान का जीवन भी चार भागों में बटा, पर्सनल लाइफ, ठीक है, चार आश्रम बटा, कौन से थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेटर वैदिक पीरियड का यहाँ पे हमारा जो है पार्ट वन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम इसका पार्ट टू करेंगे, तो तब तक आप इसे देखिए। तो जो जो देखिए मैंने आपको आश्रम में बताया तो इस नोट्स में है नहीं है, तो आप इसको साथ में नोट करते जाइए, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह कितने प्रकार के हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसके बाद कि जो वैदिक नियम थे वो कौन से थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए मेरे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।